हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके। और जिसको भी हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना है, नोट्स प्राप्त करना है पीडीएफ के रूप में, वो हमारा कॉन्टेक्ट कर नंबर है 9621819209। इस पे आप लोग कांटेक्ट करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। नोट्स का प्राइस सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज है, जिसको आप लोग फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे या फिर पेटीएम के द्वारा पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करिए कि आपको तुरंत नोट्स सेंड कर दिया जाएगा और साथ में आपको ग्रुप से भी ऐड कर लिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्रिकेट के साथ साथ और किस खेल में फॉलो ऑन की प्रक्रिया लागू होती है। जो क्रिकेट का गेम होता है उसके साथ साथ एक अन्य गेम भी होता है, उसमें कौन सा गेम, उसका नाम बताना है, फॉलो ऑन की प्रक्रिया लागू होती है। खो खो, कबड्डी, बिलियर्ड्स या फिर फुटबॉल। तो ये लागू होती है आपका खो खो के साथ में, यानी ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है खो खो में कितने प्लेयर्स खेलते हैं और टोटल प्लेयरों की संख्या कितनी और कितने प्लेयर्स खेलते हैं, यह आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अपनी स्कोरिंग करते रहिए, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हो। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग भेज सकते हैं कि सर हमारे इतने 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जूडो के मैच में किसी खिलाड़ी को वाजा आर मिले तो उसको कितने पॉइंट मिलते हैं। 152 वाजा आर मिले तो उस पर कितने पॉइंट मिल जाते हैं। एक पॉइंट मिलता, आधा पॉइंट मिलता, तीन पॉइंट हो गए, दो पॉइंट हो जाएगा। तो राइट आंसर रिलेट कर जाएगा बी ऑप्शन के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 153। और जो लोग कहते हैं सर आप डिटेल नहीं बताते, अगर डिटेल आपको यहां पर 50 क्वेश्चन के साथ में अगर डिटेल हम देने लगेंगे तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, आप लोग बोर होने लगेंगे। मॉक टेस्ट के रूप में आप लोग देखिए और थ्योरी के लिए एक बुक ले लीजिएगा, उससे आप लोग जब अपने मन से उसकी तैयारी करेंगे तो आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर होते जाएंगे। उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट के लिए आप चैनल पे आ सकते हैं, मॉक टेस्ट लगाइए, आपकी स्कोरिंग डेली के डेली कुछ ना कुछ एक दो नंबर में इंक्रीमेंट अवश्य होगा, क्योंकि धीरे धीरे अगर आप मॉक टेस्ट लगाते जाएंगे तो आपकी स्कोरिंग जो होगी वो बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि आपने थ्योरी पहले से पढ़ रखी है। आपने बीपीएड किया होगा, एमपीएड किया होगा, आपने जब पढ़ाई की होगी उस टाइम आपने थ्योरी पढ़ी होगी, ना कि एमसीक्यू। तो यहां पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। मैचिंग करना है यहां पे, तो साहसिक खेल को किससे मैच कर देंगे यहां पे, ये मैच हो जाएगा पर्वतारोहण यानी रॉक क्लाइंबिंग के साथ में। नेक्स्ट है मुकाबले यानी कॉम्बेट खेल, तो ये सेकंड हो जाएगा आपका सेकंड के साथ में। तो राइट आंसर जो चला जाएगा आपका ए आंसर चला जाएगा, 1 2 3 4 यानी ए ऑप्शन के साथ में उत्तर रिलेट कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 154। किस खेल में शोल्डर रोटेटर कफ के जोड़ सामान्यतः चोटिल हो जाते हैं। हॉकी के खिलाड़ियों के, फुटबॉल के खिलाड़ियों के, डाइविंग के खिलाड़ियों के, तैराकी के खिलाड़ियों के। 154 यहां पे कौन सा हो जाएगा सही उत्तर, सही उत्तर रिलेट कर जाएगा आपका डी ऑप्शन के साथ में, तैराकी के खिलाड़ियों का हो जाएगा इसका सही आंसर, है डी ऑप्शन के साथ में आंसर रिलेट कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 155। बहुत अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन लिया गया, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। साथ में इसके पहले के वीडियो जिसने भी नहीं देखे उन सभी वीडियो का लिंक प्लेलिस्ट में दिया है, वहां से आप लोग देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दिया जाएगा, वहां से भी आप लोग सारी वीडियोस देख सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड जो भी तैयारी कर रहे हैं चैनल से अवश्य जुड़े रहे, बहुत अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन आपको सेकेंड हाफ नवंबर से, जो अभी सीरीज चल रही है, सीरीज आपकी खत्म होने वाली, इसके बाद नई सीरीज शुरू की जाएगी, उसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चन लिए जाएंगे जो आपके होने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट होंगे। बेसबॉल पिचर के हाथ की गति की दिशा किस ओर होगी जब बैट्समैन को बॉल पिच करेगा स्ट्राइक जोन की ओर, तो 155 का राइट आंसर यहां पर क्या होना चाहिए, ओवरथ्रो होगा, अंडर आर्म होगा, साइड आर्म होगा या फिर ओवर आर्म होगा। तो उत्तर जो सही हो जाएगा आपका हो जाएगा ओवर आर्म हो जाएगा, इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 156। स्कोरिंग अवश्य करते रहिएगा। फुटबॉल के खेल में जब ऑफसाइड रूल का उल्लंघन होता है तब रेफरी के द्वारा क्या निर्णय सुनाया जाता है। जब फुटबॉल के खेल में ऑफसाइड रूल का उल्लंघन होता है तो रेफरी के द्वारा कौन सा निर्णय सुनाया जाता है, विपरीत टीम को फ्री किक, विपरीत टीम को इनडायरेक्ट फ्री किक, विपरीत टीम को पेनाल्टी किक या फिर विपरीत टीम को कॉर्नर किक। 156 तो ये क्या होता है, विपरीत टीम को इनडायरेक्ट फ्री किक हो जाता है, यानी बी ऑप्शन के साथ में उत्तर रिलेट करेगा, बी उत्तर इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 157। और जो लोग भी नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं वो 9621819209 ये व्हाट्सएप नंबर, इस पे आप लोग कांटेक्ट करके नोट्स प्राप्त कर सकते हो, साथ में फिजिकल एजुकेशन के ग्रुप से भी ऐड हो सकते हैं। नोट्स में आपको पीडीएफ रूप में एमसीक्यू और वन लाइन क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिनकी टोटल संख्या 10,000 होगी, जिसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट और जो भी कुछ कराया जाता है वो भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज में। आपको दोबारा कोई पेमेंट नहीं करना है।
और कोरियर के द्वारा जो लोग भी नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं उसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है, जो लोग कोरियर के द्वारा मंगाना चाहते हैं वो लोग भी संपर्क कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 157। लॉन्ग जंप के चरण अनियमित क्रम में दिए हुए, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए इनको सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, अप्रोच, लैंडिंग, फ्लाइट, टेक ऑफ। तो कोड दिया हुआ है एबीसीडी, ऑप्शन में आपको बताना है इसमें सही क्रम कौन सा हो जाएगा। यहां पर राइट आंसर, तो राइट आंसर में सबसे पहले नंबर पे आपका आ जाएगा अप्रोच, फिर सेकंड नंबर पे आएगा टेक ऑफ, थर्ड नंबर पे आपका आ जाएगा फ्लाइट, और लास्ट में आ जाएगा लैंडिंग। यानी राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 1432, यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 158। फुटबॉल का वजन कितना होना चाहिए, तो ये कितना वजन होना चाहिए, तो ये आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, ए बी सी डी में से बी ऑप्शन के साथ में उत्तर रिलेट कर जाएगा, क्या बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 159। निम्नलिखित चार तैराकी की शैलियों में से सबसे तेज तैरने की शैली कौन सी है, बटरफ्लाई, फ्री स्टाइल, ब्रेस्ट स्ट्रोक या फिर बैक स्ट्रोक। 159, तो यहां पे कौन सी शैली हो जाएगी सबसे तेज तैरने की, तो 159 तो राइट आंसर चला जाएगा आपका, फ्री स्टाइल के साथ में रिलेट कर जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अपनी स्कोरिंग अवश्य करते रहिएगा कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं, और आप लोग कमेंट करके बताइए, अगर 20 सही होते 20 बताइएगा, 15 सही होते 15 बताइएगा, इससे क्या होता है आपकी स्कोरिंग धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 160, जिसके भी 35 या 30 प्लस हो रहे हैं वो बहुत अच्छी तैयारी चल रही, क्योंकि जो भी क्वेश्चन प्रेजेंट टाइम में दिए जा रहे थोड़े से टफ है। फुटबॉल साकर खेल में पेनाल्टी किक चिन्ह स्पॉट कितनी दूरी पर लगाया जाता, तो ये कितनी दूरी पर लगाया जाता, 12 यार्ड, 8 यार्ड, 16 यार्ड, 110 यार्ड। तो यहां पे ये कितनी दूरी पर लगाया जाता, ये लगाया जाता 12 यार्ड पर, यानी 12 यार्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर, ए ऑप्शन के साथ में उत्तर रिलेट कर जाएगा, ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। 161, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको यूपी टीजीटी पीजीटी में पूछा गया, DSSB में क्वेश्चन पूछा गया है, और राजस्थान में जो पीटीआई का एग्जाम होता है वहां भी ये क्वेश्चन पूछा गया। कौन सा स्पोर्ट्स आमतौर पर घुटने की उपास्थि यानी कि चोट नी कैटलेज इंजरी के साथ जुड़ा है, बॉक्सिंग, फुटबॉल, टेनिस, बी और सी दोनों। 161, ये किससे जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा बी और सी दोनों, यानी फुटबॉल और टेनिस हो जाएगा इसका राइट आंसर, है डी आंसर ऑप्शन के साथ में उत्तर रिलेट करेगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 162 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में दो प्रयासों के बीच कम से कम कितना वजन बढ़ाते हैं, 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम या फिर 15 किलोग्राम, तो कितना वजन बढ़ाया जाता, तो यह हो जाएगा दो प्रयासों के बीच में 5 kg, यानी 5 किलोग्राम के साथ में उत्तर सही हो जाएगा, रिलेट कर जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही होगा, जिसने भी बी ऑप्शन अटेम्प्ट किया है उसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 163, और यूपी में टीजीटी पीजीटी का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आउट होने वाला, और उत्तराखंड में एलटी ग्रेड की वैकेंसीज के लिए जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं वो हमारे पेड ग्रुप से अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। नोट्स का प्राइस सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज है, चाहे आप ऑल इंडिया में किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, 500 रुपीज में वो सारे नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में अवेलेबल कराए जाएंगे, और जिसका पेमेंट आपको फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे या फिर पेटीएम के द्वारा करके स्क्रीनशॉट सेंड करना, आपको तुरंत नोट्स भेज दिए जाएंगे और साथ में ग्रुप से भी एड कर दिया जाएगा। टेनिस में ड्यूस किसको प्रदर्शित प्रतीक करता है, 15-0, 30-30, 40-40, 15-15, 163, क्या हो जाएगा 40-40 हो जाएगा, क्या सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसके पहले की वीडियो जिसने भी नहीं देखे उन सभी वीडियोज का लिंक प्लेलिस्ट में दिया, वहां से आप लोग देख सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे सर्च करिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर, आप लोग यूट्यूब पे जैसे ही सर्च करेंगे फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर, पार्ट उसमें डाल दीजिए, पार्ट नंबर 10 से लगा के पार्ट नंबर आज ये 154 है, यहां तक की सारी वीडियोस आप जैसे ही पार्ट डालेंगे आपको जो भी पार्ट देखना है, 10 देखना, 11 देखना, 153 देखना, 154, सारे पार्ट्स आपको एक तरफ से मिल जाएंगे। तो और चैनल तो पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको यहां पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो 164 राइट आंसर यहां पे क्या होगा, क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, तो उत्तर जो सही हो जाएगा आपका रूफ हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन के साथ में उत्तर रिलेट कर जाएगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए, 2 से 3 बार वीडियो को अवश्य देखिएगा, जिससे सारे क्वेश्चन आपके माइंड में फीड हो जाए। पावर लिफ्टिंग के इवेंट बताइए, जो पावर लिफ्टिंग होता है उसके इवेंट्स बताने हैं, कर्ल्स, बेंच प्रेस, स्क्वाट्स, स्क्वाट्स बेंच प्रेस या डेडलिफ्ट, सी दिया बेंच प्रेस, ओवर आर्म लिफ्ट, स्क्वाट्स, डी दिया स्क्वाट्स,
पुल डाउन लेट या फिर कर्लस 165 क्या होगा सही आंसर? सही आंसर जो रिलेट करेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया गया, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, स्क्वाट्स बेंच प्रेस डेडलिफ्ट के साथ में आंसर रिलेट कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 166 देखते हैं, पोल वॉल्ट की क्रॉस बार की लंबाई कितनी अनुमानित होती है? तो ये कितनी अनुमानित होती है, 4 मीटर, 4.25 मीटर, 4.50 मीटर या फिर 5 मीटर, 166। तो ये अनुमानित कितनी होती है लंबाई ये बताना है, तो 4 होगा, 4.25 होगा, 4.5 हो गया, 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.25 मीटर है, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। जिसने भी बी ऑप्शन यहां पे अटेम्प्ट किया उसका उत्तर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, स्कोरिंग करते रहिएगा, मॉक टेस्ट नंबर 154 है, 9000 के आसपास क्वेश्चंस पहुंचने वाले हैं। जिसने भी इसके पहले के वीडियोज नहीं देखे उन सारी वीडियोज का लिंक प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग देख सकते हैं, और जितनी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आपके मार्क्स बढ़ते जाएंगे। 167 नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए टाइक्वांडो खेल की मौलिक तकनीकों को पहचान कर सुव्यवस्थित कीजिए, मिलान कीजिए कथन। अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो पेपर थोड़ा सा टफ हो जाता, तो इसलिए आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा, अच्छे से समझ कर क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिएगा, तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो रिलेट कर जाएगा 5 जिसमें दिया होगा वो हो जाएगा आपका, और आ जाएगा नेक्स्ट आ जाएगा स्ट्राइक्स हो जाएगा, फिर आएगा ब्लॉक्स, नहीं राइट आंसर चला जाएगा डी ऑप्शन के साथ में, 5-1 के साथ में चला जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, ट्राइक्वांडो खेल के मैच के प्रत्येक राउंड की अवधि कितने समय की होती है? तो इसके मैच के अवधि की जो समय होता है ये 1, 2, 3, 5 मिनट, कितने मिनट का होता है, तो ये होता है आपका केवल 2 मिनट के साथ में, क्या रिलेट कर जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बी उत्तर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 169, वीडियो पसंद है वीडियो को तुरंत लाइक करिएगा, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिजिकल एजुकेशन से आप लोग टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड पीटीआई या किसी भी स्टेट में रहते हैं आप, अगर फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग चैनल पर जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेनिस का खिलाड़ी ड्यूस के बाद जो पहला पॉइंट स्कोर करता है उसको क्या कहते हैं? जो टेनिस का खिलाड़ी होता है ड्यूस के बाद जो पहला पॉइंट स्कोर करता है उसको क्या बोला जाता है? टाई ब्रेकर बोला जाता है, ड्यूस बोला जाता है, एडवांटेज बोला जाता है, फिर रैली बोला जाता है। तो इसको जो बोला जाता है क्या बोलते हैं, क्या एडवांटेज बोलते हैं, रैली बोलते हैं, ड्यूस बोलते हैं, टाई ब्रेकर, तो इसको बोला जाता है एडवांटेज, यानी सी ऑप्शन के साथ में आंसर रिलेट कर जाएगा, एडवांटेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 170 नंबर का देख लेते हैं, अपनी स्कोरिंग अवश्य करते रहिएगा आप लोग। वॉलीबॉल के खेल में कितने खिलाड़ी लिब्रो के रूप में एक टीम में एक ही समय पर खेल सकते हैं? 1, 2, 3, 4, तो ये खेल सकते हैं कितने? 2 खिलाड़ी एक टीम में एक ही समय पर खेल सकते हैं। 171 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 171 निम्नलिखित में से सभी रक्षात्मक खेल हैं वॉलीबॉल के सिवाय एक के, क्वेश्चन गलत होता है बहुत, यहां पे क्या लिखा हुआ है सिवाय, इसका आप लोग मतलब समझिएगा उसके बाद ही आंसर दीजिएगा, नहीं वाले क्वेश्चन और सिवाय के क्वेश्चन भी आप लोग गलत कर देते हैं जल्दबाजी में, आते हुए क्वेश्चन गलत होते हैं, डिग होगा, ब्लॉक होगा, स्पाइक होगा, सेव हो जाएगा, तो यहां पर जो राइट आंसर जो हो जाएगा सिवाय के साथ में यानी स्पाइक हो जाएगा, इसका सही उत्तर सी ऑप्शन के साथ में आंसर रिलेट करेगा। 172 खिलाड़ी वॉलीबॉल को हिट करते हैं शरीर के किसी भी भाग से, केवल हाथों से, हाथ और भुजाएं, सिर और छाती, तो 172 यहां पे उत्तर जो क्या होगा सही ए बी सी डी, तो आंसर जो रिलेट कर जाएगा शरीर के किसी भी भाग से हो जाएगा, ए ऑप्शन के साथ में आंसर रिलेट कर जाएगा, ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है 173, आप लोग देख के तुरंत आंसर बताइएगा इसका क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। एक मिनट, टेबल टेनिस खेल में जब बॉल लगातार खेल में बनी रहती है तो इस अवस्था को किस नाम से जाना जाता है? रैली, लेट, पॉइंट या फिर बाधा, तो इसको जो जाना जाता है किस नाम से जानते हैं? इसको रैली के नाम से जाना जाता है, ए उत्तर इसका राइट हो जाएगा, रैली हो जाएगा इसका राइट आंसर, ए ऑप्शन के साथ में आंसर रिलेट कर जाएगा। 174 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से तैराकी का कौन सा स्ट्रोक कूदने के साथ ही शुरू नहीं होता है? तो यह बताना कि कौन सा स्ट्रोक तैराकी के साथ में कूदने से शुरू नहीं होता है, तो यह उत्तर राइट क्या होना चाहिए? फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई, आंसर बताना है आपको जल्दी से। और जो लोग पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं 9621819209, इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। नोट्स का प्राइस सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज रखा गया, 500 रुपीज का पेमेंट आप लोग फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे या फिर पेटीएम के द्वारा करके वो सारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, और फिजिकल एजुकेशन के ग्रुप से भी आप एड हो सकते हैं। तो राइट आंसर 174 का क्या होना चाहिए? बैक स्ट्रोक हो जाएगा, बी ऑप्शन के साथ में उत्तर रिलेट कर जाएगा, बी ऑप्शन इसका
राइट होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 175 भी, यानी जितने भी क्वेश्चंस लिए गए बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप लोग इनके क्वेश्चंस को एक से दो बार अवश्य पढ़िए, क्योंकि एक बार में हो सकता है आपको समझ में ना आए, तो दो बार वीडियो देखिएगा, आपको आसानी से क्वेश्चंस के आंसर क्लिक कर ले जाएंगे। हैंडबॉल खेल में पेनाल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी पर मार्क होता है? तो हैंडबॉल खेल में पेनाल्टी स्ट्रोक जो मार्क होता है ये 7 मीटर की दूरी पर मार्क किया जाता है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और यूट्यूब पे आप लोग जैसे ही सर्च करेंगे फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर, आपको सारी वीडियो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड एक साथ में देखने के लिए मिल जाएंगे। जिसने भी इसके पहले के वीडियो नहीं देखे उन सभी वीडियो को आप लोग वहां से देख सकते हैं। बॉक्सिंग के खेल में गोइंग इन टू द टिंग का क्या अर्थ होता है? रेफरी से बहस करना, तौलिया को बॉक्सिंग ग्राउंड यानी रिंग में फेंकना, एक बॉक्सर द्वारा जानबूझकर लड़ाई हराना या फिर हारना, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। 176 क्या होगा? एक बॉक्सर द्वारा जानबूझकर लड़ाई हारना हो जाएगा, या सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही उत्तर। सी ऑप्शन के साथ में आंसर रिलेट कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9621819209 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप लोग कॉन्टेक्ट करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। खोखो के खेल में कितनी क्रॉस लाइन होती है? और नोट्स का प्राइस सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज है। 12, 10, 9, 8 क्या होगा यहां पे उत्तर? राइट, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर, 8 हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिएगा। यह क्वेश्चन विभिन्न एग्जाम्स में पूछा गया, जो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं, विभिन्न स्टेट्स में कई रूपों में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तैराकी के स्ट्रोक यानी इंडिविजुअल व्यक्तिगत मेडल में होती उनकी पहचान कर सही अनुक्रम में लगाइए। तो इसको आप लोग देखिए, राइट आंसर यहां पे क्या होगा? पहले नंबर पे आएगा बटरफ्लाई, फिर बैक स्ट्रोक, फिर बेस्ट स्ट्रोक, फिर फ्री स्टाइल, यानी डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन के साथ में आंसर रिलेट कर जाएगा, डी उत्तर सही होगा। कुश्ती के एक राउंड की अवधि कितने समय की होती है? जो कुश्ती का गेम होता है उसमें एक राउंड की अवधि कितनी होती है? तो ये क्या होती है? 2 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट या फिर 1.5 मिनट? तो ये कितना हो जाएगा यहां पर राइट आंसर? तो यहां पर जो उत्तर रिलेट कर जाएगा ये 3 मिनट्स के साथ में आंसर रिलेट कर जाएगा, यानी बी ऑप्शन का सही हो जाएगा इसका उत्तर। 180 स्कोरिंग करते रहिए आप लोग। प्रतियोगिता जो कि ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप के स्तर की होती है उसमें एक सर्वश्रेष्ठ धावक जिसको सेमीफाइनल में सबसे तेज समय निकाला, उस धावक को फाइनल में कौन सी लेन में दौड़ाया जाएगा? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या उसकी मर्जी की कोई भी लेन में? तो इसको जो दौड़ाया जाएगा थर्ड लेन में दौड़ाया जाएगा, यानी यही आंसर के साथ में आंसर रिलेट कर जाएगा। और जो लोग DSSSP का फॉर्म सबमिट किए थे जनवरी फरवरी में, वो लोग भी तैयारी करते रहे क्योंकि उनके एग्जाम्स की डेट किसी भी टाइम दी जा सकती है आयोग के द्वारा। तो आप लोग तैयारी करते रहिए क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं आपके लेबल्स के हैं। जो लोग UPTGT PGT की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखें, नोटिफिकेशन जैसे ही आता है आप तब से अगर सोचते हैं तैयारी करने के लिए, तो आप लोग उसके पहले से अगर जुट जाते हैं तो आपको थोड़ा सा कम मेहनत करनी पड़ेगी और सफलता आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि एक सही रास्ता और सही तरीका आपको सफलता के करीब लेके जाता है। तो यहां पे राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 181। प्रतियोगिता जो कि ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप के स्तर की होती है उसमें एक सर्वश्रेष्ठ तैराक जिसने सेमीफाइनल में सबसे तेज समय निकाला है, उस तैराक को फाइनल में कौन सी लेन मिलेगी? 181 थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या उसकी मर्जी से कोई भी लेन? तो यहां पे भी उत्तर राइट हो जाएगा क्या? ए ऑप्शन के साथ में आंसर लेट कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 182। ट्रिपल जंप यानी त्रिकोट इवेंट में टेक ऑफ बोर्ड से लैंडिंग पिट की अंतर रेखा के बीच में कितनी दूरी होती है? 21 मीटर, 15 मीटर, 17 मीटर या 13 मीटर? तो ये कितनी दूरी होती है? तो ये दूरी क्या होगी? क्या 21 मीटर हो जाएगी? हाँ, 21 मीटर। जिसने भी आंसर अटेम्प्ट किया ए ऑप्शन उसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 183। 50 क्वेश्चन लिए गए, जितने आप लोग के सही होते कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसके पहले के वीडियो जिसने भी नहीं देखे उन सभी वीडियो का लिंक प्लेलिस्ट में दिया हुआ, वहां से आप लोग देख सकते हैं। जूडो खेल में प्रतियोगिता क्षेत्र का कितना होता है? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। कल भी एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, इसका भी आंसर आप लोगों को 183 का कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 184। बॉक्सिंग में मुक्केबाजी के एक राउंड की अवधि कितने समय की होती है? 184। अभी इसके पहले क्वेश्चन कराया गया है, 3 मिनट हो जाएगा क्या? ए ऑप्शन के साथ में आंसर लेट कर जाएगा। 185। एथलेटिक्स में प्रति इवेंट कितनी प्रवेश एंट्री मान्य है? 6, 5, 4 या फिर 3? तो 185 में ये प्रवेश एंट्री मान्य है, तो एथलेटिक्स के लिए 3 हो जाएगा क्या राइट आंसर? 3 के साथ में आंसर लेट कर जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 186 देखते हैं क्या है।
9621819209 ये व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप लोग कॉन्टैक्ट करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, साथ में ग्रुप से भी ऐड हो सकते हैं। 500 रुपीज का पेमेंट करना होगा सिर्फ और सिर्फ। वॉलीबॉल के खेल में स्पाइक के नाम से जानते हैं, इसी कौशल को स्मैश के नाम से भी किस खेल में जाना जाता है? हॉकी और बैडमिंटन, टेनिस और बैडमिंटन, बॉक्सिंग और बैडमिंटन, गोल्फ और स्क्वैश। 186 यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी उत्तर है, टेनिस और बैडमिंटन के साथ में आंसर रिलेट किया जाएगा। और जो लोग थ्योरी की क्लास देखना चाहते हैं, इसके पहले के वीडियोज में आपको डिटेल क्लास दी गई है, 1 पार्ट 10 से आप शुरू करिएगा देखने के लिए, बीच में 92 तक आप देखिएगा, उसमें आपको थ्योरी भी बीच बीच में बताई गई है। उसके बाद से जितने भी वीडियोज आपको दिएंगे सारे वीडियोज मॉक टेस्ट में है, मॉक टेस्ट के रूप में आपको प्रैक्टिस, उसके पहले के वीडियोज में थ्योरी भी दी गई थी, और अब यहां पे आपको मॉक टेस्ट के रूप में सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 187 एक बॉल को सेट किया जाता है स्पाइक के लिए, वॉलीबॉल में इस प्रक्रिया की विशिष्ट व्यवस्था के चरणों को सुव्यवस्थित कीजिए। सेट स्पाइक डिक, स्पाइक सेट डिक, डिक सेट स्पाइक, स्पाइक डिक सेट। 187 यहां पे इस सुव्यवस्थित करना, तो पहले नंबर पे क्या आएगा, डिग आ जाएगा, सेकंड पे सेट आएगा, और थर्ड पे स्पाइक, यानी सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग इसका आंसर देख लिए होंगे, सी ऑप्शन हो जाएगा। और साथ में जिसको भी नहीं आता वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है या फिर नोट कर सकता है। डिस्कस थ्रो के खिलाड़ी को थ्रो के लिए कितना समय दिया जाता है, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट, 188 ये दिया जाता है, 1 मिनट का समय दिया जाता है, ये ऑप्शन के साथ में आंसर रिलेट कर जाएगा। 189 नंबर देख लेते हैं, बैडमिंटन के खेल में एकल और डबल मैच के लिए कोर्ट ग्राउंड की लंबाई कितनी निर्धारित होती है, 13.40 मीटर, 13.44 मीटर, 13.55 मीटर या फिर 13.70 मीटर। तो ये लंबाई निर्धारित होती है 13.40 मीटर के साथ में आंसर रिलेट कर जाएगा, यानी ए उत्तर इसका बिल्कुल राइट होगा, ए ऑप्शन के साथ में आंसर रिलेट कर जाएगा। 190 मीटर पुरुष बाधा दौड़ में बाधाओं की संख्या 8, 9, 10, 11 कितनी होती है, बाधाओं की संख्या 10 होती है, क्या 10 हो जाएगा, सी ऑप्शन के साथ में आंसर रिलेट कर जाएगा, सी उत्तर इसका सही होगा। 191 4×100 मीटर रिले में, रिले रेस जो होती है उसमें एक्सचेंज जोन की लंबाई कितनी होती है, जो एक्सचेंज जोन होता है उसकी लंबाई कितनी होती है, 20, 25, 30 या फिर 15 मीटर। तो ये जो जोन की लंबाई होती है ये होती है 20 मीटर होती है, यानी ए ऑप्शन के साथ में आंसर रिलेट कर जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके पहले के वीडियोस देखने के लिए आप लोग YouTube पर सर्च करिएगा फिजिकल एजुकेशन बाई पंकज सर पार्ट डाल दीजिएगा, फिजिकल एजुकेशन बाई पंकज सर पार्ट 10, पार्ट 11, पार्ट 5, 151, पार्ट 55, पार्ट 153, जो भी पार्ट देखना साथ चाहते हैं आप साथ में डाल दीजिए, आपको वो वीडियो तुरंत सर्च में मिल जाएगी। और इसके पहले की वीडियो अगर देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस दी हुई हैं, या फिर फिजिकल एजुकेशन में पंकज सर सर्च करेंगे आपको सारी वीडियोज एक साथ में मिल जाएंगी। 154 नंबर की वीडियोज आज अपलोड की जा रही, 154 वीडियोज, उसमें 3 शॉर्ट ट्रिक की वीडियोज भी, 2 या 3 शॉर्ट ट्रिक की वीडियोज भी अपलोड की हुई है। तो AAFI की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, 192 का राइट आंसर क्या होगा, 1946, 1950, 1951 या 1952, या राइट आंसर हो जाए 1946 यानी 1946 के साथ में आंसर रिलेट करेगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पुरुषों के लिए गोले यानी शॉटपुट का कितना वजन निर्धारित होता है, जो पुरुषों के लिए गोले या शॉटपुट का जो वजन निर्धारित होता है वो कितना होता है, 5 किलोग्राम, 7.26 किलोग्राम, 6 किलोग्राम या फिर 8 किलोग्राम। 193 तो यहां पे क्या होगा सही आंसर, तो इसका आंसर भी आप लोगों को कमेंट के माध्यम से बताना है कि उत्तर यहां पे कौन सा राइट हो जाएगा 193 का। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, 193 राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो यहां पे जो उत्तर रिलेट कर जाएगा आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। और आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चंस बचे हुए 7 क्वेश्चंस वो कल के वीडियोस में आपको करा दिया जाएगा। तो नए वीडियो में मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। और 9621819209 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप लोग कॉन्टेक्ट करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, जो आपको PDF के रूप में सारे नोट्स अवेलेबल कराए जाएंगे, जिसका पेमेंट आपको फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे या फिर पेटीएम के द्वारा करने के बाद स्क्रीनशॉट सेंड करना है, आपको तुरंत नोट्स दे दिए जाएंगे, साथ में ग्रुप से भी ऐड कर दिया जाएगा, जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट और कुछ भी दिया जाएगा। तो नए वीडियो मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।